हेलो एंड वेलकम, मैं हूं हरीश चौधरी और आप देख रहे हैं हरीश प्रोजेक्ट्स यूट्यूब चैनल। सो आज हम बनाएंगे ये एक RFID इंजन लॉक प्रोजेक्ट, आप यहां पर देख सकते हैं। सो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें मैंने ये RFID लगाया हुआ है, जिससे कि जो इंजन होगा वो RFID से ही ऑन होगा और इसी से ही इंजन जो है वो ऑफ होगा। सो इससे फ़ायदा यह है कि जो गाड़ी वगैरह होता है, कार बाइक, वो चोरी नहीं होगा क्योंकि इसमें मैंने RFID का यूज़ किया हुआ है, तो हमें इसमें कोई भी की वगैरह का झंझट नहीं रहता है। और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स जो होता है ये इंस्पायर आवर में बहुत ज़्यादा सिलेक्ट भी होता है और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का यूज़ किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों, मैंने पिछली बार एक RFID कार प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मैंने दो Arduino का यूज़ किया हुआ था, जिससे मुझे कई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि एक Arduino से बनाकर दिखाओ, क्योंकि दो Arduino को जोड़ने से बजट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और सो मैंने इसी को देखते हुए यहाँ पर एक दूसरा भी प्रोजेक्ट बनाया, RFID इंजन लॉक। सो इसे मैंने एक Arduino का यूज़ किया हुआ है और एक RC कंट्रोलर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो इसका जो बजट है वो पिछले वाले प्रोजेक्ट से कम होता है, मतलब इसको आप कम बजट में बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। मैंने इसका डायग्राम और Arduino कोड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इजीली आप देख करके बना सकते हैं। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके, और मैं सेलेक्ट कर लेना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम और ट्विटर से बात कर सकते हैं, मैंने अपना ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ से मैंने अपने PCB को ऑर्डर किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो इस वेबसाइट का नाम है JLC PCB। आप इस वेबसाइट से सिर्फ $2 में 5 PCBs ऑर्डर कर सकते हैं, एनी कलर। आपको यहाँ पर अपना PCB डिज़ाइन करना है जो आपको चाहिए और आपको उसको गड़बड़ फाइल में सेव करना है। सेव करने के बाद आपको इस वेबसाइट में उस गड़बड़ फाइल को अपलोड कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पर कलर्स, थिकनेस, MM जो भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है उसको सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आपको यहाँ पर एड टू कार्ट में क्लिक कर लेना है और उसके बाद आप अपने कार्ट में जाकर इस PCB को ऑर्डर कर सकते हैं। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे रखा है, अगर आप वहाँ से जाकर साइन अप और ऑर्डर करते हैं तो आपको $18 का कूपन मिलेगा और अपने साइंस प्रोजेक्ट को इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। और जो PCB क्वालिटी जो है वो बिल्कुल हाई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एकदम मजबूत है। सो जाइए आप मेरे लिंक से ऑर्डर कीजिए, वहाँ से आपको ऑफर भी मिलेंगे। सो इसको बनाने के लिए हमें जो जो सामान चाहिए उसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक Arduino Uno, उसके बाद हमें चाहिए RFID रीडर और उसके कार्ड्स और टैग, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। और हमें चाहिए एक 5 वोल्ट रिले और ये है मेरे पास एक RC कंट्रोलर जिसको मैंने अपने पुराने टॉय से निकाला था। और हमें चाहिए एक बैटरी और एक स्विच बटन जिसको मैंने पहले से ही अटैच करके रखा हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। और इनको कनेक्शन करने के लिए चाहिए हमको जम्पर वायर्स और Arduino को पावर देने के लिए चाहिए केबल। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं और हम इसका लास्ट में वर्किंग भी देखेंगे। और मैंने इसका कोड्स और डायग्राम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप देख करके इजीली इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। और हमें Arduino को किस तरह से प्रोग्रामिंग करना है उसको मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था, RFID कार वाले प्रोजेक्ट में। सो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं और Arduino को प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है और मैंने गियर मोटर को कुछ इस तरह से यहाँ पर अटैच किया हुआ है इस सनबोर्ड सीट में। तो चलिए हम इसको वर्किंग टेस्ट करते हैं कि ये काम सही कर रहा है या नहीं। सो यहाँ पर जो कार्ड है वाइट कलर का, इससे इंजन ऑफ होगा और जो ब्लू कलर का जो टैग है उससे इंजन स्टार्ट होगा।
और हमें फिर से इसको ऑन करने के लिए इस ब्लू कलर के टैग को यूज करना पड़ेगा और ऑफ करने के लिए व्हाइट वाले कार्ड को यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आर्डिनो प्रोजेक्ट्स और नॉर्मल प्रोजेक्ट्स अपलोड करते रहता हूँ, जिससे कि आपको आइडियाज़ मिलते रहेंगे नए नए प्रोजेक्ट्स का। और अगर आपको कोई आइडिया आता है प्रोजेक्ट के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और शायद मैं उन प्रोजेक्ट्स को बना सकता हूँ। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम और ट्विटर से बात कर सकते हैं, मैंने अपना आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।